सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू श्रीकांत किएशन। गाइज, तो मैंने कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक पेज पे एक फोटो अपलोड किया था जो कि कुछ इस तरह का था, गैलेक्सी नेमार्ट। तो इस फोटो पे बहुत सारा कमेंट्स और मैसेज वगैरह आने लगे कि भाई मुझे बना दो। तो मैंने बहुत सारे भाइयों को बना के भी दिया, तो फिर उनमें से कुछ ये बोलने लगे कि भाई आप कैसे बनाते हो, हमें भी बताओ कैसे बना रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए, तो इसीलिए आज हम इस तरह का एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस, सबसे पहले हमें आना है पिक्सआर्ट ऐप पर, फिर इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर ये बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो कैसे मैंने बनाया, तो इसको पहले मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड लिया था इसे, फिर इसके ऊपर मैंने ऐड किया ये लाइट पीएनजी। तो फिर हमें इसके ऊपर अपना नाम लिख लेना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा टेक्स्ट पर जाएंगे, फिर अपना नाम लिखना होगा। तो मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेते हैं। फिर इसको यहाँ से डन करेंगे। फिर आपका जो भी फॉन्ट पसंद है वो दे सकते हो, बहुत सारा फॉन्ट अवेलेबल होता है पिक्सआर्ट पे। तो मैं ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। फिर इसको ऐसे बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से बड़ा करेंगे, फिर इसको यहाँ से अच्छे से सेट करके यहाँ से डन कर देंगे। तो इतना कर लेने के बाद आप जो हमारा मेन काम है वो है गैलेक्सी का फोटो ऐड करना। तो उसके लिए हम ऐड फोटो पर जाएंगे, यही मेन चीज़ है। तो इसके लिए हमें जाना होगा गैलरी पे जाके वो जो फोटो है गैलेक्सी का उसको ऐड कर लेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा वो फोटो, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको ऐसे रोटेट करके पूरा टेक्स्ट के ऊपर लगा लेना है, ऐसे बड़ा करके। फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको चेंज करना होगा। इसके लिए हम ब्लेंड पे जाएंगे, फिर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हो ठीक वैसा ही हो गया। फिर इसको यहाँ से डन कर देंगे। अभी भी थोड़ा सा बेसिक एडजस्टमेंट करना होगा क्योंकि फोटो बहुत ही डल है। तो इसको टूल्स पे ले जाएंगे, टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ से दो चीज चेंज करना होगा, एक है क्लैरिटी को, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर कॉन्ट्रास्ट को इसको भी बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से डन कर देंगे। तो अब ये फोटो क्लियर हो चुका है, फिर इसको सेव कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे जाके इसको यहाँ से सेव इमेज अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। तो इतना ही था, बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल था। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि हमें भी सीखना है, तो चलो वीडियो बना दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।